नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में किसी भी डेटा को अरेंज करने का इजीएस्ट मेथड। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर, जैसे कि ये डेटा है, हमको इसको अरेंज करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे प्लस करके फिर से इसको एक बार और सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका जो पूरा डेटा जो है इरेज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। इसको अगर कंट्रोल जेड किया, मैं सिर्फ इस डेटा को इरेज करना चाहता हूँ। पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिक जो है आपका इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप जो है किसी भी डेटा को दो बार सेलेक्ट करके इसको इरेज कर सकते हैं। मुझे ये पूरा डेटा इरेज करना है, आप एक बार सेलेक्ट कर लिए ऊपर से, फिर आप नीचे से इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो देखिए जिसको भी सेलेक्ट किए वो जो है डेटा ऑटोमेटिक जो है इरेज हो रहा है, वो उतना तो कि हट जा रहा है। ठीक है, तो कैसा कर रहा है, कितना ईजी था ट्रिक। ठीक है, देखिए क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा सेलेक्ट कर लिया, दोबारा चला गया। इसको सेलेक्ट करना है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, दोबारा नीचे सेलेक्ट कर लीजिए, चला जा रहा है। ठीक है, तो दो बार अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा जो है ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे डिलीट कर रहा हूँ एक्सेल में डेटा को, मतलब टू टाइम्स आप ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर सेलेक्ट कीजिए, सभी डेटा जो है आपका इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रिक आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।